चल दिया दिल तेरे पीछे पी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों मैं मनीष और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, अभी आपने स्टार्टिंग में प्रीव्यू में देखा तो इस तरह की 3D इफेक्ट वाली स्टेटस वीडियो अगर आप भी बनाना चाहते हो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों इस एडिटिंग का जो जीप फाइल है, जीप फाइल नहीं प्रीसेट लिंक जो है दो पार्ट में मैंने आपको प्रोवाइड किया है जो मेरे वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, तो उसे इंपोर्ट कर लीजिएगा अपने लाइट मोशन में। आपका कोई भी लाइट मोशन होगा तो 5 MB से नीचे करके मैं प्रीसेट आपको दे रहा हूँ तो इंपोर्ट हो जाएगा। अगर फिर भी कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट कीजिएगा। और मेरा पुराना जो पोस्ट है तो उसमें 8 MB 9 MB का प्रीसेट लिंक है तो उसमें आप लोगों को परेशानी होती है, ऐसा काफ़ी कमेंट आता है, मैसेज भी आता है, तो आप लोग डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा जो वीडियो आप बनाना चाहते हैं और उसमें प्रॉब्लम हो रही है तो उसका भी उस वीडियो का लिंक मुझे सेंड कर दीजिएगा तो उस प्रीसेट को मैं 2-3 पार्ट में करके आपको सेंड कर दूंगा तो आप आसानी से एडिटिंग कर पाएंगे। तो चलिए आज की एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जब आप प्रीसेट इंपोर्ट कर लेंगे एलाइट मोशन में तो कुछ इस तरह से आपको ओपन करना है जैसा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, तो प्रोजेक्ट में चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास पहले से ये है तो मैं इसका एक थोड़ा डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। और मैंने आपको जो प्रोवाइड किया वो दो पार्ट में, तो दो पार्ट कैसे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से मैं इसे दो पार्ट में कर देता हूँ जैसे आप देख सकते हैं, और ये डिलीट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ये वाला है, आप देख सकते हो फर्स्ट पार्ट ये हुआ और सेकेंड पार्ट आपको यहीं पर मिलेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो क्रिएट पे चलते हैं और यहाँ पे ये 02 परफेक्ट, और मैं इसे कर देता हूँ फेस्ट। तो इस तरह से आपको भी मिलेगा जो आप इंपोर्ट करेंगे तो इस तरह से ही होगा। तो आपको इस सेलेक्ट कर लेना है, इस तरह से सेलेक्ट कर लीजिएगा चारों को और ये वाली ऑप्शन पे टैप करके यहाँ पे कॉपी 4 लेयर कर लीजिएगा। देन यहाँ से आपको बैक आ जाना है और फर्स्ट वाले में जाना है। फर्स्ट वाले में जाने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है ये जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पेस्ट 4 लेयर जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा ऐड किया हुआ। अब आपको ये करना है, ये वाला ऑप्शन पर टैप करना है और ये वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से बना बनाया है, आप सॉन्ग चेंज कर सकते हैं और मॉडल इमेज वो आपका चेंज कर सकते हैं। सॉन्ग चेंज करने के लिए सॉन्ग को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ से डिलीट कर दीजिए। सॉन्ग डिलीट हो गया, अब दूसरा सॉन्ग आपको ऐड करना है तो प्लस करके क्लिक कीजिए, ऑडियो में जाइएगा, जो भी सॉन्ग यहाँ पे ऐड करना चाहते हो सॉन्ग को सिलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद लास्ट में आ जाइएगा और जो एक्स्ट्रा सॉन्ग होगा उसे आपको यहाँ से सिंपली कट कर देना है। तो 30 सेकंड का प्रोजेक्ट है, अब इसके बाद का जो सॉन्ग है उसे हम कट कर दिए। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो मॉडल इमेज देख सकते हैं, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे राधा कृष्ण का इमेज यूज किया है। आप मतलब मैंने चाइल्ड क्या बोलते हैं उसे, चाइल्ड मतलब बाल राधा कृष्ण बोल सकते हैं उसे, तो इस टाइप का मैंने यूज़ किया। आप यहाँ पे कोई भी मॉडल इमेज ऐड कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट वाला यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला कृष्ण का इमेज है जो थोड़ा हम आगे करेंगे तो यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे आप कोई इमेज ऐड कर सकते हैं, उसके लिए कलर एंड फिल पर क्लिक कीजिए, ये वाली ऑप्शन पर टैप कर लीजिएगा और जो भी मॉडल इमेज यहाँ पर ऐड करना चाहते हो उस इमेज को सिंपली ले लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर तब तक के लिए एक कृष्ण का इमेज ऐड करके आपको दिखाता हूँ। तो थोड़ा नीचे चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर कौन सा इमेज ऐड कर लो, सिंगल इमेज फुल बॉडी हमें ऐड करना होगा। जैसे ये वाला इमेज को सिलेक्ट करके प्लस कर दिए, इमेज यहाँ पे ऐड हो गया बट ये एडजस्ट नहीं है तो हमें इसे एडजस्ट करना होगा। इसके लिए सबसे पहले इसे जूम करना होगा, जूम करने पे ये आपका गायब हो रहा है तो आपको क्या करना होगा, इसे इस तरह से सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद इसे आप ग्रुप बना दीजिएगा, ये काम कर जाएगा यहाँ पे इस तरह से कुछ जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे काम कर जाएगा बट इफेक्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो हम क्या करते हैं यहाँ से इसे बैक कर देते हैं, ठीक है। और इसे सेलेक्ट करने के बाद फिंगर की मदद से इसे जूम कर लेते हैं, ठीक है। फिंगर की मदद से जूम करेंगे और जहाँ पे भी ऐड करना चाहते हो वहाँ पे इस तरह से ऐड कर लीजिएगा। परफेक्ट, यहाँ पर हम इसे ऐड कर दिए, ठीक है, जैसा आप देख सकते हैं। देन आपको दूसरा वाला इमेज सेलेक्ट करना है जो फर्स्ट में ये वाला इमेज है राधा वाला, इसे सेलेक्ट करेंगे, कलर एंड फिल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली ऑप्शन टैप कीजिएगा, टैप करने के बाद यहाँ पर दूसरा जो इमेज आप ऐड करना चाहते हो इस इमेज को ले लीजिएगा। जैसे मैं तब तक के लिए ये वाले इमेज को सिलेक्ट करके और प्लस कर देता हूँ। तो इमेज यहाँ पे ऐड हो गया, अब इसे एडजस्ट करना है तो सबसे पहले इसे थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे सेंटर में कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से बैक आएंगे, एडिट से में जाएंगे, इसका हाइट वेट आपको एडजस्ट कर लेना है। इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिएगा तो मेरा परफेक्ट है, मैं रहने देता हूँ। फिर थोड़ा आगे आइएगा तो यहाँ पे राधा कृष्ण का कपल इमेज जो है इसे ऐड करना है, तो उसके लिए इसे सेलेक्ट करेंगे, कलर एंड फिल पर क्लिक करेंगे, फोटो जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे और दूसरा जो इमेज आपको ऐड करना होगा उस इमेज को ले लीजिएगा। अब इसमें भी आपको हाइट वेट इसका एडजस्ट करना हो तो यहाँ से बैक करते हैं, एडिट से में चलते हैं और इसका इस तरह से थोड़ा छोटा करेंगे, फिर फिंगर की मदद से इसे जूम कर लीजिएगा इस तरह से। देन इसे सेंटर में यहाँ पे रख लेंगे इस तरह से, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इसका हाइट जो है उसे हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, तो इस तरह से करेंगे, फिर फिंगर की मदद से एडजस्ट करेंगे जहाँ पे भी रखना है। अभी हमारा एडिटिंग जो कंप्लीट हो चुका है, आप इसे प्ले करेंगे तो इस तरह से आएगा,
ठीक है। तो सॉन्ग कोई अच्छा सा आप अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिएगा। एडिटिंग हमारी फिनिश हो चुकी है, तो अब इस वीडियो को सेव करना है। सेव करने के लिए ऊपर एरो देख सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करना एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दीजिएगा, ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसी तरह की और भी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।